नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरल सिलाई में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अस्तर वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 15 इंच लंबा और 21 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेंगे और उसे बीच से मोड़ देंगे। अब बंद हिस्से से 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा एक बॉक्स बना लेंगे। बन गया। अब बंद हिस्से से खुले हिस्से तक 8.5 पे निशान लगाएंगे। 8.5 और 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर 2.5 इंच ऊपर की ओर, 2.5 इंच बगल की ओर और 1.5 इंच बीच से एक निशान लगा करके इसे गोला बना लेंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया। देखिए इसकी लंबाई 15 इंच है। अब कमर पे निशान लगाएंगे, 7.5 हमारी फिटिंग आएगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे। अब इसे तिरछा मिला करके निशान लगा लेंगे। अब हम गला बनाएंगे, 2.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा हमें इसे रखना है। आप गले की लंबाई अपने अनुसार रख सकती हैं। जहाँ 10 का निशान लगाए वहाँ से 3 इंच चौड़ा, अब 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच चौड़ाई को मिला देंगे तिरछा। अब ये हल्का सा बीच से गोल बना लेंगे। ये गोल गले का ब्लाउज बनेगा। अब सबको हम कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप उसे देख सकें। अब हम आगे का हिस्सा कट करेंगे। देखिए ये 16 इंच है, पीछे वाला हिस्सा 15 था, ये 16 इंच लंबा रहेगा। अब सेम इसमें भी 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा एक बॉक्स बनाएंगे और सेम यहाँ भी 8.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे मार्जिन थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम। पीछे 2.5 इंच थी, यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे मार्जिन। सेम यहाँ भी 2.5 और 2.5 इंच में निशान लगाकर बीच में हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि आगे वाले हिस्से में ताल शेप काटा जाता है। यहाँ पे आर्म होल हम बना लेंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे, कमर 7.5 पे निशान लगा करके यहाँ भी 3 इंच हम मार्जिन रख लेंगे और तिरछा मिला लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा। यहाँ 3 इंच चौड़ा कर देंगे जहाँ 5.5 इंच का निशान है और तिरछा मिला करके गोल बना लेंगे। अब 12 इंच कमर की ऊंचाई निशान लगा लेंगे सीधा। निशान लग गया। जो बंद हिस्सा है वहाँ से ऊपर की ओर 1/2 इंच और जो खुला हिस्सा है वहाँ से नीचे की ओर 1/2 इंच मिला करके तिरछा मिला लेंगे। अब बीचों बीच 9 पे निशान लगाएंगे और डॉट से 1.5 इंच छोड़कर बगल की ओर, नीचे की ओर और किनारे इसके और आर्म होल की तरफ 2 इंच छोड़ेंगे हम, निशान लगा लेंगे और सभी को काट लेंगे। ये हम अच्छे से काट लेंगे। दोस्तों, आप हमें सरल सिलाई के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी सिलाई से संबंधित सारी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। देखिए कट गया। अब जहाँ बटन लगाने वाला हिस्सा भी काट लेंगे। ये आगे का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम
आस्तीन काटेंगे। देखिए दो कपड़ा हम लिए हैं, इसकी चौड़ाई 8.5 है, 34 इंच का हमें सीना बनाना है। अगर उसको हम 4 से भाग देंगे तो 8.5 आ जाएगा, इसलिए मैं 8.5 रख रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा करके तिरछा मिला देंगे और आर्म होल का निशान बना लेंगे। मोहरी जितनी भी है उसका आधा प्लस 1 इंच रख कर तिरछा मिला लेंगे और अब हम इसे आस्तीन काट लेंगे। ये हल्का सा यहाँ पे काट करके आस्तीन का शेप दे देंगे। अब दो हिस्से को पकड़ करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे। अब गले पे तिरछी पट्टी लगाने के लिए हम पाइपिंग बनाएंगे 2-2 इंच चौड़ी, कम से कम हम 7-8 पाइप ऐसे ही तिरछी पट्टी काट लेंगे। जिस भी कपड़े पे हमें बनाना है ब्लाउज, इस पे ये अस्तर का कपड़ा रख करके इसे हम कच्चा सिलाई कर लेंगे सुई से। पूरे कपड़े पर हम चारों तरफ कच्ची सिलाई कर लेंगे, इसके चारों ओर। देखिए कच्ची सिलाई हो गई और हम इसे काट के निकाल लेंगे। कंधे से बीचों बीच 10 इंच का निशान लगाते हुए निशान लगा लेंगे और दोनों तरफ, और इसे मोड़ करके सिल लेंगे 1/2 इंच की दूरी पर। जो निशान लगाए थे हम पीछे उसे सिल लेंगे। ये आगे वाले हिस्से में जो 4 डॉट हम लगा चुके थे उसे अच्छे से सिल करके कमर भी जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने के बाद हम ऊपर से भी एक सिलाई चला देंगे ताकि ये अच्छा लगे दिखने में। अब ये देखिए दोनों पार्ट इसका सिल गया। कंधा जोड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। जब हमारा ब्लाउज सिल के कंप्लीट हो जाएगा जितने भी कच्चे धागे हैं उसे काट लीजिएगा आप लोग, नहीं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। दोनों कंधा जोड़ लिए, अब हम इसमें दाईं तरफ हुक वाला पट्टी लगाएंगे जो कि 2 इंच चौड़ा रहेगा, उसे मोड़ करके बीच से ऐसे हम सिल लेंगे। अब इसे मोड़ करके एक और सिलाई चला लेंगे। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है उसे तुरपन कर लेंगे। अब बाएं हिस्से में ये जो कपड़ा है मेन कपड़ा है ब्लाउज का, उसका हम लगाएंगे क्योंकि बायां वाले हिस्से की तरफ हमें आई बनानी होती है।
दिखता है, इसीलिए हम अस्तर के कपड़े से नहीं बनाएंगे। देखिए ऐसे इसको सिलेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर दो सिलाई चलाएंगे हम। आस्तीन जो काट के रख चुके थे उस पर मैंने बॉर्डर लगा दिया है, उसे भी हम सिल लेंगे। मैं इससे पहले सादा ब्लाउज और अरे ब्लाउज एक बार बार बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब जो हमने पाइपिंग काटी थी उसे हम जोड़ लेंगे। सारी पाइपिंग जोड़ दी, लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। इसे ऐसे मोड़ कर दो बार इसके किनारे से हमें सिलाई कर लेना है। ये पूरी सिलाई हो जाए तो इसे पलट करके पीछे की ओर तुरपन कर देंगे हम। ये देखिए इसे पलट कर ऐसे तुरपन करना है हमें। ये तैयार हो गया। अब हम ब्लाउज को उल्टा करके फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमें कमर 30 है, 30 को 4 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा, और कम सीना 34 है तो 34 को 7 से भाग 4 से भाग देंगे सॉरी तो 8.5 आएगा, और मोहरी हमारी 12 है तो 12 का आधा 6 होगा। ऐसे करके हम निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे। सीने का चौथाई हिस्सा, कमर का चौथाई हिस्सा और मोहरी का आधा। हम इसे सिल लेंगे अच्छे से। डबल डबल सिलाई हम चलाएंगे ताकि ब्लाउज बहुत मजबूत बने। ये ब्लाउज कंप्लीट होने वाला है, दोनों तरफ हम सिलाई चला लेंगे। इसे सीधा करके हम देखेंगे कैसा बना है। देखिए बन गया ब्लाउज। ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे की साइड है। सारे एक्स्ट्रा धागे हम काट लिए हैं। कंप्लीट हो गया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।